चलिए झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी की बदसलूकी पर सीएम का एक्शन नजर आया। आपको बता दें, झाबुआ एसपी को पुलिस मुख्यालय किया अटैच, और इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में मारपीट का मामला सामने आया था, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी और छात्र ने एसपी से मामले की शिकायत की। एसपी अरविंद तिवारी ने छात्रों के साथ बदसलूकी की थी। तो ये पूरी खबर जो है हम आपको झाबुआ से दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों के साथ बदसलूकी की गई एसपी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज अरविंद तिवारी आईपीएस को झाबुआ एसपी के पद से तत्काल हटा दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को अपने आदेश पर तत्काल अमल करने के लिए भी कहा है और गृह विभाग मंत्रालय से आदेश जारी हो गए हैं। बताया गया है कि झाबुआ में रविवार की रात पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। स्टूडेंट्स की इसकी शिकायत करने पुलिस थाने गए थे, लेकिन थाने से उन्हें भगा दिया गया। जब स्टूडेंट्स पुलिस थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने झाबुआ के पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी को फोन कर प्रोटेक्शन की मांग की। स्टूडेंट का आरोप है कि झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी ने उनके साथ बेहद बदसलूकी की है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए नियमित समीक्षा बैठक में अधिकारियों से बात करते हुए झाबुआ एसपी को तत्काल हटाए। सर, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं। सर, हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो गई, तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर, यहाँ से दोनों को जूते दे के बंद कर देंगे। यस सर, पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? सर, पढ़ने आए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह, बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे, दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे, चिंता मत कर। अभी मैं बताता हूँ सर, अभी नाइट के हम वापस जा रहे थे सर, वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। पढ़ने आए हो, लड़ने आए सर? पढ़ने सर, अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद करा सर। अभी के लिए सर, अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ, कोई नहीं सिक्योरिटी, जूते देके खाने में बंद कर देंगे, वो सर सबसे सिक्योर हो। यस सर, थैंक यू सर। हम खाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है सर? समथिंग हम 40-30-40 जने। नहीं नहीं, हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? तुम साले जो है औकात है क्या? यस सर, थैंक यू सर। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है? अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। सर, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर, हमारी मतलब कॉलेज में मारामारी हो। तो एसपी की बदसलूकी पर सीएम का एक्शन नजर आया है एक बार फिर, और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमीन बेग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमीन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के एसपी को हटाने के निर्देश जारी किए हैं, क्या वजह है, पूरा मामला क्या है आखिर? देखिए काजल, बहुत ही संगीन मामला ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक छात्र एक एसपी को फोन लगा के अपनी सुरक्षा की बात करता दिखाई दे रहा है उस ऑडियो कॉल के अंदर, और एसपी जो है वो कितनी बदतमीजी से और गाली गलौज उसके साथ कर रहे हैं। ये बात जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, तो मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक बैठक बुलाई और तत्काल जो एसपी हैं झाबुआ के, उनको हटाने के निर्देश जारी कर दिए। और जब ये बैठक हुई थी, उसके फौरन बाद उनका तबादला जो था वो वहां से कर दिया गया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अब जो है उनका निष्कासन कर दिया गया है, यानी कि उनको निलंबित कर दिया गया है। पहले तो उनका तबादला किया गया था, उनको झाबुआ जो एसपी के पद से उनको हटाया गया था वहां पर, और दूसरी जगह उनको भेज दिया गया था। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इसलिए अब उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि न सिर्फ एसपी को हटाया गया बल्कि निलंबित भी कर दिया गया है। जी, कि छात्रों को क्या समस्या हो रही थी, क्या मांग थी, कितने छात्रों के बीच विवाद हुआ है, बताएं आप। देखिए, छात्रों की हमने देखा है कि कई कॉलेजेस के अंदर जो है छात्रों में गुट होते हैं, और
उनके बीच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सा झगड़ा जो है वो देखने को मिलता है। ये हर कॉलेज में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन जिस कॉलेज का ये छात्र है जिसने कॉल लगाया था, इसने कहा कि उनके कॉलेज में कुछ जो छात्र हैं वो एक युवक को बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से पीट रहे हैं, तो लिहाजा तत्काल जो है वहां पर पुलिस भेजी जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। जिस पर एसपी ने उनसे अभद्रता की, उसके साथ बदतमीजी की और उसके बाद जो कुछ घटना हुई वो सबके सामने। तो कॉलेज की मारपीट का ये मामला था जिसको एसपी ने जिस मामले को न सिर्फ बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन वहां पर नहीं किया बल्कि जो छात्र था उसके साथ भी बदतमीजी की। जी जी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आगे भी अफसरशाही क्या हावी हो रही है? देखिए काजल, खासतौर पर ये कोई पहला मामला नहीं है, ये तो खैर मामला रिकॉर्ड हो गया तो सबके सामने है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, लेकिन पुलिस की जो छवि है लगभग ऐसी ही है। और हमने देखा है कि थाने के अंदर जो फरियादी पहुंचते हैं उसके साथ पुलिस का क्या रवैया होता है। हालांकि हम सभी पुलिस कर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से जो है पूरी पुलिस की जो बिरादरी होती है उसका नाम खराब होता है। और कई मौके पर ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं कि जब पुलिस जो है निर्दोषियों के साथ बदतमीजी करती हुई दिखाई देती है, उनको जो उनकी मदद की जानी चाहिए वो मदद नहीं करती है, तो इस तरह की तस्वीरें अलग अलग समय पर निकल कर सामने आती हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि पुलिस को समझना होगा कि जो वर्दी है वो सिर्फ दुष्टों के लिए, बदमाशों के लिए और जो गलत काम करते हैं उन पर जोर आजमाइश के लिए उनको दी गई है, ना कि आम जनता पर जोर आजमाइश के लिए दी गई। बिल्कुल अमीन, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो क्या लगता है नौकरशाही पर अंकुश लग पाएगा आगे? देखिए लगना तो चाहिए क्योंकि नौकरशाह हमेशा अपने आप को ही सर्वमान समझ लें तो ये समाज के लिए भी ठीक नहीं होगा। उनको ये समझना चाहिए कि वो भी एक पद पर बैठे हुए हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे कॉलेज या स्कूल जाते होंगे। अगर उनके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी कहे और किसी को औकात दिखाने की बात कहे और कहे कि तुझे भी और तेरे साथ के लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झाबुआ से हमारे संवाददाता सुरेश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के एसपी को हटाने के निर्देश दिए, क्या वजह है इसकी आखिर बताएं आप? आपस में दो गुटों में जो है विवाद हो गया था, जिसको लेकर एक गुट जो है वो कोतवाली थाने पर जाता है और अपना पक्ष रखता है, जिस पर वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच छात्रों में से एक छात्र जो है वो तुरंत जो है एसपी को कॉल करते हैं और उनकी समस्या बताते हैं, जिस पर एसपी के द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उनके ही विरोध में बोले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अरविंद तिवारी आईपीएस को झाबुआ एसपी के पद से तत्काल हटा दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को अपने आदेश पर तत्काल अमल करने के लिए कहा और गृह विभाग मंत्रालय से आदेश जारी किए। इसके साथ बताया जा रहा है कि झाबुआ में रविवार की रात पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। स्टूडेंट इसकी शिकायत पुलिस थाने लेकर गए थे लेकिन थाने में उन्हें भगा दिया गया और इसके साथ ही एसपी ने भी उनके साथ बदसलूकी की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए ज्यादा अपडेट्स के लिए साधना न्यूज़। नमस्कार।